हेलो डियर स्टूडेंट्स, बता हमारा ये ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उस लेसन का एक टॉपिक है यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज। तो ये वाला हमारा टॉपिक जो है लैंड रिसोर्सेज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स मीन्स एनीथिंग विच वी कैन यूज फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स। सो इन्हीं रिसोर्सेज में से, जो नेचुरल रिसोर्सेज में से जो लैंड आता है, ये देखिए, ये लैंड लैंड रिसोर्स है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। देखिए, हमने ये जाना कि रिसोर्स मीन्स एनीथिंग जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। अब लैंड जो रिसोर्स है, ये हमारी जरूरतों को, हाउ इट फुलफिल्स अवर नीड्स। ये लैंड जो है हमारी, किस तरह से हमारी जरूरतों को पूरा करता है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाउ द लैंड इज इम्पॉर्टेंट। लैंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो लैंड है, वी यूज इट फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। फॉरेस्ट इसके ऊपर होते हैं, वी बिल्ड अवर हाउसेस देयर, अपने रोड्स, हॉस्पिटल सब तो कहाँ पे बनते हैं, इस लैंड के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू मी, द लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड जो है काफी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके ऊपर देखिए हमारी वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें, वी डू ऑल दीज थिंग्स ऑन द लैंड। सो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सो इसकी इंपॉर्टेंस तो हम जान गए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखेंगे कि लैंड जो है, मेनली इसकी जो अलग अलग फीचर्स होती हैं हमारी, कोई भी लैंड, हमने ओनली 6 7 क्लासेस में पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड। किसी भी लैंड की अलग अलग फिजिकल फीचर्स कौन कौन सी होंगी? माउंटेन की फॉर्म में लैंड होती है, प्लेन्स की फॉर्म में लैंड होती है, देन प्लेट्यूज की फॉर्म में जो लैंड होती है, प्लेट्यूज, देन उसके अलावा कोस्टल एरिया की अलग होती है, आइलैंड में अलग लैंड फॉर्म्स होती है। तो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लैंड की, और उनकी ये फॉर्म्स के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि किस पर्पस के लिए हमने लैंड को यूज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मेजर फॉर्म्स हैं हमारी लैंड की, जो मेनली अगर हम किसी भी लैंड की मेजर फॉर्म की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन फॉर्म्स होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन्स होते हैं, देन उसके बाद माउंटेन्स आ जाते हैं, देन उसके बाद जो है प्लेट्यूज आ जाते हैं। इस तरह से ये तीन तरह की जो डिफरेंट फॉर्म्स है लैंड की। लैंड को हम किस तरह से यूज करते हैं, और जब हम बात करते हैं कि लैंड यूज क्या है, कि किस कंट्री में लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड की यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है। जैसे कोई भी मुझसे पूछे कि आपकी कंट्री में लैंड यूज किस तरह से किया गया है, तो मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम लैंड is used for the agriculture and 20 to 25% land is used for the forests. इसके अलावा कुछ ऐसी लैंड है जिसके ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं, रोड्स बनाए हुए हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। कुछ वेस्ट लैंड भी हैं, ग्रेजिंग के लिए भी रखी गई है, कुछ डेजर्ट के अंडर भी आ जाती है। तो ये लैंड यूज पैटर्न है हमारे यहाँ पे। लैंड यूज पैटर्न मीन्स हाउ द लैंड इज यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन डिफरेंट कंट्रीज। हर देश में लैंड को किस तरह से यूज करना है, ये डिपेंड किन चीजों के ऊपर करता है, अभी बता रहा हूँ कि किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड, किन चीजों के ऊपर डिटरमिन करता है, किन चीजों के ऊपर लैंड यूज पैटर्न डिपेंड करता है। सबसे पहले देखा जाता है कि किसी लैंड की टॉपोग्राफी क्या है। टॉपोग्राफी यानी कि फिजिकल फीचर्स क्या है, वो लैंड प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, या कैसी लैंड है, इस चीज को देखा जाता है। मान लीजिए अगर लैंड प्लेन है, अच्छी सॉइल है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वी विल यूज दैट फॉर द एग्रीकल्चर। देन अगर कोई क्लाइमेट उसका ज़्यादा ठंडा है या गर्म है, उसके बेसिस पे हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लैंड में उसकी टॉपोग्राफी को देखा जाता है, सॉइल टाइप कैसी है वो देखा जाता है, क्लाइमेट कैसा है, उसको यूज करने से पहले तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि देखिए, जो एरियाज प्लेन में है वो खेती के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, या वैसे भी वहाँ पे रोड्स वगैरह सब डेंसली पॉपुलेशन होती है, ईजी होता है। हिली एरिया है तो एज अ हिल स्टेशन बड़े फेमस है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। कोई डेजर्टेड एरिया है तो वो अलग विंड एनर्जी के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लैंड में जो हमारा क्लाइमेट है, सॉइल है, टोपोग्राफी, सब चीजों को ध्यान से पहले देखा जाता है। उसके अलावा लैंड को यूज करने के लिए देखा जाता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा लेबर भी अवेलेबल होगी, काम करने के लिए लोग भी अवेलेबल होंगे, तो उसके बेसिस पे यूज़ किया जाता, देखा जाता है कि इस लैंड को इस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है,
टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी हमारी क्या है उसके बेसिस पे भी हम कुछ चीजें सेटअप वहां पे कर सकते हैं। कल्चरली और ट्रेडिशनली भी देखा जाता है कि कोई एरिया किस तरह का, अगर रिलीजियसली बड़ा फेमस है रिलीजियसली उसके बेसिस पे वहां पे उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक लैंड यूज पैटर्न है, ये तो है 1961 का। यहाँ पे देखिए 2014-15 के अनुसार हमारे यहाँ पे 45.5% एरिया इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर। दिस इज ऑफ इंडिया, दिस लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लगभग 45 या 46% जो लैंड है इन अवर कंट्री इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड 23.3% एरिया इज यूज्ड फॉर द फॉरेस्ट। इसके अलावा जो डिफरेंट अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रेजिंग के लिए भी है, कुछ डेजर्ट में भी आ जाता है एरिया, कुछ एरिया ऐसे ही खाली है, कुछ अपने घर वगैरह बनाने के लिए यूज किया गया। तो इस तरह से अलग अलग उसकी लैंड इन द स्पेक्ट्रम है। आई थिंक अभी आपको लैंड जो एक रिसोर्स है वो पता चल गया कि लैंड रिसोर्स क्या है, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, और लैंड यूज पैटर्न क्या है, किस चीज पे, और लैंड यूज पैटर्न किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से लैंड को यूज करना है, हमने अभी देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे एक वर्ड आता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा लैंड है ये हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा कि हमारी लैंड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, इसकी डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये डिग्रेडेशन होती क्या है? लैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज इफेक्टेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड। ह्यूमंस के द्वारा की गई अलग अलग एक्टिविटीज जो की जाती हैं, ह्यूमंस अपनी अलग अलग एक्टिविटीज की वजह से जो हमारी लैंड को रिड्यूस कर रहा है, उसकी क्वालिटी को, उसको खराब कर रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा या नेचुरल चीजों के द्वारा कुछ जब ऐसा होता है देन दैट विल बी कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड। ठीक है, इट इज व्यूड एज एनी चेंज और एनी डिस्टर्बेंस टू द लैंड परसीव्ड टू बी डिलीटीरियस और अनडिजायरेबल, यानी कि एक अनडिजायरेबल चेंज इन द लैंड, लैंड में अनडिजायरेबल चेंज आना, इसके कारण हमारी खुद की एक्टिविटीज के कारण। हमारी खुद की ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके कारण हमारी लैंड में अनडिजायरेबल चेंज आता है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन की जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए पानी का ज्यादा बहाव या ओवर इरीगेशन, ज्यादा ही जब हम इरीगेशन करते हैं फसलों को पानी देते हैं तो इस तरह से लैंड की डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली पंजाब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के इलाके, यहाँ पे इस तरह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है ओवर इरीगेशन के द्वारा। तो किसी जगह पे जंगलों की कटाई होना, ओवर ग्रेजिंग करना, ज्यादा पशुओं को चराना, तो वो वहाँ की वेजिटेशन को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं लाइक दिस। ओवर ग्रेजिंग भी, ग्रेजिंग भी एक लैंड डिग्रेडेशन में, लैंड डिग्रेडेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन में फॉरेस्ट को काटना, जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन भी लैंड डिग्रेडेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने जंगलों को काटोगे उतना भी लैंड डिग्रेडेशन होगा। यहाँ पे सम वेज हैं जिनके द्वारा हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। आई थिंक अभी लैंड डिग्रेडेशन क्लियर हो गया कि लैंड में अनवांटेड चेंज आना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम करना, किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। कैसी एक्टिविटीज से लैंड डिग्रेडेशन होता है? ओवर इरीगेशन, जंगलों को काटना, और ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा पशुओं को चराना, ये बहुत सारे रीजंस हैं, ये तो मेन रीजंस हैं। उसके अलावा फ्लड आ जाए तो भी लैंड डिग्रेडेशन होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। लैंड डिग्रेडेशन लैंड की जो क्वालिटी में कमी आने को रोका कैसे जा सकता है, इस लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कम किया जा सकता है, इट हैज डिफरेंट सॉल्यूशंस। लाइक लैंड डिग्रेडेशन को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, देखिए नंबर वन यहाँ पे लिखा अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। सबसे पहले जो जंगलों को काटा जा रहा है दोबारा से नए पेड़ लगाए जाए, अफॉरेस्टेशन की जाए, नए पेड़ लगाए जाए, जंगल दोबारा ग्रीन किया जाए सबको, और
ये जो ओवर पशुओं को चराते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए कि विच पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी यूज्ड फॉर द एनिमल ग्रेजिंग। एंड उसके बाद है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, जिन एरिया में जैसे स्पेशली कुछ एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन कम है या डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पे भी बहुत तेज तूफान आते हैं तो बहुत सारी जो लैंड है वो क्या हो जाता है, या मिट्टी कितनी उड़नी शुरू हो जाती है वहाँ पे, वो उस जगह से कट जाती है लैंड वो जो ऊपर से सॉइल हो रही है, या किसी जगह पे तेज फ्लड आता है, फ्लड आने की वजह से जो मिट्टी है सब पानी सब बह जाती है, सब छोटे मोटे प्लांट्स बह जाते हैं, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन होती है। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए हम एक शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं प्लांट्स की, यानी कि जहाँ पे इस तरह से फ्लड या तेज हवाओं से तूफान से लैंड डिग्रेडेशन होता है, वहाँ पे अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनको एक लाइन में लगाएंगे हम लोग, शेल्टर बेल्ट जिसको कह रहे हैं। अगर एक लाइन में सब पेड़ों को लगा देंगे तो जब भी वहाँ पे तूफान आएगा, फ्लड आएगा, बारिश आएगी, तो जो वहाँ की लैंड होगी वो पानी के साथ नहीं बहेगी, मिट्टी पानी के साथ नहीं बहेगी। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय ग्रोइंग टॉनिक बुशेस, जो सैंड डून्स हैं, सैंड डून्स यानी कि पहाड़ों की तरह नहीं होता, जैसे कुछ दो पहाड़ हैं बीच में गहरी खाइयां टाइप होती है, उनको डून बोल देते हैं, डून्स। जो सैंड डून्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा थॉर्नी बुशेस, जो थोड़ी बहुत जो भी वेजिटेशन है उसको उगाया जा सकता है, सो दैट के वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन कम से कम हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो जगह खाली है जहाँ पे किसी काम के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर कोई जगह वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, खेती भी नहीं की जा रही, वहाँ पे कुछ इस तरह से उसको यूज़ किया जाए कि वो लैंड वेस्ट ना जाए, उसको सही यूजेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो भी वहाँ पे कितना पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है, मिट्टी उड़ती है, उस जगह के पेड़ भी कट जाते हैं, तो ये माइनिंग एक्टिविटीज़ की भी पूरी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ओके, सही ढंग से ये होनी चाहिए सो दैट कि लैंड की डिग्रेडेशन ना हो। और जो भी इंडस्ट्री, आज के समय में हमने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये भी पोल्यूशन में के साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभाव डालता है अपने, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो भी फॉरेस्ट में जितना भी डिस्पोजल्स आते हैं इंडस्ट्रीज के, इसकी सही मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये पूरे फॉरेस्ट को पोल्यूटेड तो करते ही हैं, बल्कि उसको इतना जहरीला बना देते हैं कि वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी आपका सबका ये क्लियर हो गया लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अनवांटेड चेंज इन द लैंड रिसोर्स, रिड्यूस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्स। क्यों आता है ये, रिड्यूस क्यों होती है, अनवांटेड चेंज क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल डिजास्टर्स, लाइक जो नेचुरल एक्टिविटीज भी हो सकती है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जैसे ओवर इरीगेशन करना, ओवर इरीगेशन करना, जंगलों की कटाई करना। लैंड यूज पैटर्न क्या होता है वो हमने देखा कि किसी कंट्री में हाउ द लैंड इज यूज्ड। ये लैंड यूज पैटर्न के बाद लैंड डिग्रेडेशन क्या है और इसकी कैसे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है लैंड डिग्रेडेशन की, क्या इसके रीजन्स है लैंड डिग्रेडेशन की, पता है अभी मैंने बता दिया, ध्यान से वीडियो को सुनना। और इन लैंड डिग्रेडेशन को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके सॉल्यूशंस भी हमने लिख दिए। सो आई थिंक अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सो इस वीडियो को ध्यान से देखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो अभी तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट भी वीडियोज अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको डालता रहूंगा, आप इसी के साथ जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए, जो भी इसकी वीडियोज है रिपीट करते रहिए जो मैंने आपको वीडियोज बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।